डर लगा रहता है जब भी कोई टेस्ट होता है ना बंदा, आजकल टेस्ट कोई करवाने जाता है प्रॉब्लम कोई निकल आती है। तो आज डे है थर्सडे, यानी कि वो दिन जिस दिन हमारी मम्मी ने दोबारा डॉक्टर के पास जाना है, मम्मी के आज टेस्ट होने हैं। मम्मी आर यू स्केयर्ड लिटिल बिट? हैं मम्मी टेस्ट तो डर दिया क्योंकि जो तो खून कर देना मम्मी बड़ा चीख दिए। सो हे गाइस व्हाट्स अप, हाउ यू ऑल डूइंग एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मम्मी ने मैं आज क्या, मम्मा तुम सवेरे कुछ खाया नहीं, पर मम्मा ने खा लिया, हूँ मैं मम्मा के टेस्ट करा चला। मम्मा तुम चार घंटे हो गए ना कुछ खाधे ना हो, है देख लो हो गया ना हूँ आप तीन तो हो गया, दो तो हो गया ना बस ठीक है। हूँ अभी अपना ब्रेकफास्ट करके बदला कपड़े नहीं बदलने क्यों आगे का रिश्ता थोड़ा मेरा लैन चल लियो, तू गड्डी च बैठे रहना मतलब दो मिनट लगने हैं। चलो चलो मैं अपना ब्रंच करा ते बस फिर निकल दिया। मम्मी नू अग लगी चाह पीन दी, सिर दी पीती है चाह, जिथे जाना चाह, टेस्ट करान जाना पहला चाह 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 कीती पई है। और गाइस इंस्टाग्राम पे जो रील्स आ चुकी है नई एक चीज, इस पे मैं अपनी आपको टिप नहीं दूंगा कि मुझे कैसी लगी, और मैं अपनी मम्मी से भी आपको इसके बारे में पूछवाऊंगा। जरा हौसला रखो क्योंकि अभी मेरी मम्मी को पता नहीं है रील्स आई क्या है। मम्मी तेरे पता टिकटॉक इंस्टाग्राम पे आ गया है? मम्मी खुश हुई सोनू दसदा। गाइस मैं अपने रिव्यूज भी ते मॉम दे भी जरा इन्हों का चेकअप करवावा। कल से मौसम हो रहा है बारिश वाला, पर बारिश नहीं हो रही, आई डोंट नो व्हाई। मम्मी बारिश क्यों नहीं हो रही? कल का मौसम हो रहा पिछे अजे भी झड़ बहुत सोहना होया पा, आप बदल बदल देख सकते हो पर बारिश नहीं हो रही। आई डोंट नो द रीजन व्हाई इज दिस लाइक दिस। ये सारी मेन रोड है जी पुट्टी हुई है, सो गड्डी घुमा के लैके आनी पैंदी बड़ी पिछों, तो आया मैं उधरों गड्डी लैके आनी पैंदी। एक्चुअल पहला मैं पता किधरों आंदा हुंदा सी, पहला मैं इधरों आंदा हुंदा सी, पर ये सारा पुटता हुण इन्होंने इधरों गड्डी आवा नहीं सकदी। कंकर रिपोर्ट मिल जू, टेस्ट हो गए मम्मी दे, रिपोर्ट मिलनी 4 बजे। मम्मा का उन्होंने ना मतलब इन्नी सरेंज खून कट दिया, मम्मी उन्होंने कहती है इन्ना खून कट लिया। मैंने आपको तब भी समझाया था और अब भी ये चीज़ कहूँगा, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ में पक्का कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता रहेगा। अभी मैं मम्मा के टेस्ट करवा के घर आया और लुक व्हाट आई फाउंड हियर, योर राजन लूथरा इज ऑफिशियली शाइनिंग ऑन मंत्राज ऑफिशियल पेज। आज उन्होंने मेरी फोटो डाली है अपने पेज पर एंड दिस इज़ द पिक्चर एंड थैंक यू सो मच मंत्रा फॉर फीचरिंग मी ऑन योर पेज, थैंक यू सो मच। एंड आई फील ब्लेस्ड के कोई सिख भाई मंत्रा के पेज पे यहाँ सिख भाई आपका शाइन कर रहा है। आई एम फीलिंग प्राउड के जो पगड़ी है मेरी प्राइड है उसके कारण आज मुझे इतना आगे जाने को मिल रहा है। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड लिटरली, थैंक यू सो मच वाहेगुरु के इतना सब आपने दिया है। एंड थैंक यू गाइज आपका भी, आप सपोर्ट करते हो, ये देख के मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, अंदर से ना एक मोटिवेशन मिल गई कि काम अच्छा कर रहे हैं, किसी ने नोटिस किया तो किसी ने ऐसे हमको फीचर किया। आज मंत्रा पे हुए हैं, कल GQ में होंगे, फिर वॉग में होंगे, आगे जाना है हमने, आप सपोर्ट करते रहना बस। और मैं आपसे थोड़ी देर में वार्तालाप करता हूँ, तब तक आप बस अपने माइंड में ये चीज़ सोचो कि थिंक पॉजिटिव एंड आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा। मैं शार लेके तैयार होकर आपसे बात करता हूँ। तो अब मैं आया हूँ मम्मा की रिपोर्ट लेना, आई होप सब ठीक हो। डर लगा रहता है जब भी कोई टेस्ट होता है ना बंदा, आजकल टेस्ट कोई करवाने जाता है प्रॉब्लम कोई निकल आती है। आई होप एवरी थिंग इज़ फाइन। जब वाहगुरु सच्चे पातशाह थोड़े ना होए ना, उदों कोई चीज़ हो ही नहीं सकती खराब। टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल आई, बिल्कुल मैंने डर सीगा कि टेस्ट रिपोर्ट थोड़ी जी इधर उधर होगी तो पंगा पैना। यूरिक एसिड भी परफेक्टली फाइन, तो ब्लड शुगर तो है ही नहीं मदर में। सो मैं इसे कर कहना वाहगुरु तो यकीन रखा करो, पाठ कराया करो, सारिया प्रॉब्लम जो सॉल्व करनी है। हम अब आप डॉक्टर दिखाने फिर देखते हैं फिर डॉक्टर साहब की कहें अगों कि लैके जाना इस चीज़ में, क्योंकि टेस्ट तो बिल्कुल ओके आए हैं। मेरे मम्मा बहुत टेंशन से बेचारे ने, यू कैंट बिलीव उन्होंने रोटी तक नहीं खाधी डर दे मारे कि पता नहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, पर सब ओके। कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक डरी ही पई दोवे ठीक है। मम्मा हम डॉक्टर बुखा कहने कोई डरने वाली गल नहीं, पापा ठीक है, नहीं है कि नहीं है कि शुगर ठीक है कि
मंत्रा पे फोटो डालने के बाद मम्मी थोनू पता मेरी मंत्रा पे फोटो डाली यू हैप्पी यू फील प्राउड के मंडा तड़को चंगा कर रहा चंगा कर रहा थैंक यू। तो जब से मैं मंत्रा पे फोटो डाली मुझे इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे बड़े मैसेज आ रहे हैं उन सबको शुक्रिया दिल से शुक्रिया थैंक यू सो मच ऐसे ही सपोर्ट करते रहना आपका प्यार है तो हम हैं नहीं तो कोई चक्कर नहीं और मम्मी मेरी गोरी लग रही है इस गोरे लगने के पीछे राज है मैंने आपको दिखाया नहीं फेस पे बड़े फेस मास्क मले गए थे स्क्रब किया गया था जिसके बाद ये चेहरा हाँ मम्मा सौन लग गए सच्ची गोरा लग जाए महाराज तुम गोरे जाना डॉक्टर को मैं उंज रंग डे बस डॉक्टर के पास जा ही रहे थे 5:30 बजे की अपॉइंटमेंट है 5:10 हो चुके हैं तो डॉक्टर अब क्या कहता है क्या नहीं कहता की चक्कर है पैसे मम्मी मनी दे रही तो डॉक्टर अब क्या कहते हैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में पहले चले तो जाए वहां तक चलो मम्मा वैसे ऑनेस्टली यू आर लुकिंग गोरी मम्मी बस फिर पैक मान लिया करना ये केड़ा सी हो कुछ मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स तुसी रिवील करे हो मेरे इथे कई कुड़ियां देख रही हैं उन्होंने भी शायद फायदा हो रहा है फिर अपने दो रंग देते गोरा काला इस चक्का दी गल है पर तुसी टिप्स दिया करो ना इदा दी चीजा लोगों तक पहुंचनिया चाहिए डॉक्टर ने दिखाए हैं 5 दिन की होर मेडिसिन उन्होंने लिखती है इज लाइक के वैसे तो इंजेक्शन असं परस्यू कर सकते हैं बट मम्मा ने कहा कि सर मैं हजे नहीं लवाना तो 5 दिन की मेडिसिन चेंज करके उन्होंने किया वो कहते डरने वाली कोई गल नहीं है डोंट वरी तो जे हूँ 5 दिन की दवाई तो बाद फर्क ना पाया फिर इंजेक्शन ही लगना सो प्रे करो हूँ कि फर्क पै जाए टक टक बंद हो जाए एंड मैं अच्छ अमृतसर वाले डॉक्टर कंसल्ट करता देखते हैं एक अद्धे दिन च उन्हों की अपॉइंटमेंट लेंगे तो आप उ भी चैकअप करा के आने चलिए माता घर कि खाना पीना कुछ बहरों दही ला जाओ आज मेरा दिन इतना अच्छा जा रहा है इतना अच्छा रहा मैं बहुत खुश हूँ बट मेरा दिन अभी ख़राब हो जाना था पता क्यों ये देख रहे हो ये देख रहे हो ये यहाँ से मेरा फ़ोन एक्चुअली ऐसे गिरा था ऐसे घम और ये जो मेरा फ़ोन टूटते टूटते बचा ना अभी तो गार्ड ही टूटा सिर्फ गार्ड पे इतनी तड़ेड़े आई हैं आपको दिख रही होंगी देखो कैसे शटर हो गया मेरे को लगा मेरा फ़ोन टूट गया मेरा दिल टूट गया था बट थैंक गॉड ये फ़ोन नहीं है सिर्फ गार्ड ही टूटा तो हम इसको कल चेंज करवाएंगे सब बच गया मेरा दिन बड़ा अच्छा जा रहा था जाते जाते ख़राब हो जाना था बचा हो गया। एप्पल की चीज़ नो डाउट बड़ी अच्छी होती है बहुत ज़्यादा प्रीमियम होती है बट एप्पल वालों की एक मुझे बात जो अच्छी नहीं लगती पर्सनली वो ये है कि इनकी चीज़ें ना थोड़ी डेलिकेट होती हैं कि जैसे कोई फ़ोन हो गया मैकबुक हो गया मेरा मैकबुक भी डिस्प्ले इतनी सी क्रैक हो चुकी है बहुत पहले हुई थी अभी तक मेरे को नहीं पता चला कि वो क्यों हुई थी बट ये चीज़ें एप्पल को मेरे हिसाब से आने वाले प्रोडक्ट्स में देखनी चाहिए कि थोड़ी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रखो क्योंकि हाथ से फ़ोन तिलक सकता है बहुत चीज़ें हो सकती हैं तो थोड़ा बचा ज़रूरी है नो डाउट ड्यूरेबिलिटी है तो इसलिए स्क्रीन बच गई है बट और ड्यूरेबल होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है कि एप्पल के प्रोडक्ट जल्दी टूटते हैं या फिर मेरे साथ ही ऐसा होता है क्योंकि मैं 6 iPhones तोड़ चुका हूँ टचवुड ये नहीं टूटेगा। बर्गर किंग के अलावा वैसे मेरे को किसी का बर्गर पसंद नहीं आता बट ये बेल्जियम कोको का बर्गर है मतलब हमारे यहाँ नया रेस्टोरेंट खुला है तो इसका बर्गर काफ़ी अच्छा है कल मैं खा के आया था वहाँ पर तो आज मैंने घर पे दोबारा लेके आऊँ खाने के लिए क्योंकि ये लिटरली बड़ा टेस्टी था। बर्गर किंग का जो बर्गर होता है वो थोड़ा लाइट होता है मतलब टेस्टी होता है पर लाइट होता है पेट नहीं भरता इससे तो एक खाने से मतलब पेट फुल भर जाता है। क्या पैकिंग की है महाराज बट ये ओनली वेज है यहाँ पे नॉन वेज नहीं मिलता एंड ये बर्गर मेरे मुँह से भी बड़ा है मम्मी प्लेट मिल जाएगी नहीं तो मैं खलारा पा लेना प्लीज़ प्लेट